हाँ बच्चों, तो अब एक काम करते, क्वेश्चन बनाते। कॉन्सेप्ट तो हो गया, टॉपिक क्या चल रहा हमारा? लीज वर्सेस लोन। लिखा हुआ एक्स, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पहला क्वेश्चन दे रहा है, और पेज नंबर मिलेगा 27 28 पे ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 28 पर ले लीजिए इसको। लिखा एक्स वाई जेड लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख, तो 10 लाख का इक्विपमेंट खरीदना है। द सेम विल बी यूटिलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, पासा लाइफ है, एंड इट हैज टू फाइनेंसिंग ऑप्शन इन दिस रिकॉर्ड। ठीक है, 10 लाख रुपए कॉस्ट है और 5 साल लाइफ है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है, फाइनेंस करवाइए 10 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम, द लोन बीइंग रिपेबल इन 5 इक्वल ईयर एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये तो सिंपल है। द इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर फॉर ₹1 लाख। दूसरा अल्टरनेटिव है कि लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड अर्ली रेंटेड रेंटल ऑफ ₹3,30,000 पेबल एट ईयर एंड। ठीक है, रेंट देना ₹3,30,000। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, WDV बेसिस, और इनकम टैक्स रेट है 35%, और डिस्काउंटिंग रेट दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। डिस्काउंटिंग रेट दिया है 12%, तो 12% से ही डिस्काउंटिंग करेंगे। बताना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है एक्स वाई जेड लिमिट के लिए, दैट्स इट, और क्यों। ठीक है, तो अब हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ। PVCO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, टेबल यही रहेगी, इसी टेबल से पूरा काम होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे करना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करोगे ना तो दिक्कत में पड़ोगे। तो साहब यहां आएगा ईयर, यहाँ आएगा प्रेजेंट वैल्यू, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रखा है तो उतना ही लेना है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेना है 12%। अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लीज ऑप्शन। सर पहले लोन लिखना चाहिए ना बेटे, लीज ऑप्शन भी लिख दोगे तो कुछ गुनाह नहीं है। लीज ऑप्शन, और लीज ऑप्शन में सबसे पहला काम है हम लिखेंगे लीज रेंट, वो भी नेट ऑफ टैक्स। तो लीज रेंट कितना है भाई? 3,30,000, 1 माइनस टैक्स का रेट देखो 35%, क्योंकि ईयर एंड है तो सीधा 1 to 5। थ्री लैख 30,000 इंटू 0.65, तो बेटे ये आ गया 2,14,500, 1 डिवाइडेड 1.12, 1 2 3 4 5 GT, ये ले लेते 3.6048 ले लेता हूँ। तो 2,14,500 इंटू 3.6048, तो ये आ गया 7732 30, 7732 30। अब आगे चलते हैं, और अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोन ऑप्शन।
क्या बोला जरा देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सीधा आपको अब सारा वर्किंग करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब समस्या है इसमें कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो WDV मेथड है, और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट वो भी WDV मेथड है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी सुनोगे? सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट आएगा, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर टैक्स ऑन सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। वो तो बेटे हम ना इसके लिए कुछ टेबल में बांध देते इस चीज़ को, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, सर काम क्या करना है बेटे? कुछ नहीं है हमको मालूम है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का है जी? लोन अमाउंट एसेट का कॉस्ट कितना? 10 लाख रुपए बोल रखे है तो कोई बात ही नहीं। ₹10 लाख डिवाइडेड बाय फैक्टर लेना पड़ेगा किसका? 13% का। कितने साल का? 5 साल का। 1 डिवाइडेड बाय 1.13, 1, 2, 3, 4, 5 GT। फैक्टर आया 3.51। 7.2 ले लूं? ठीक। ये क्या है? PVAF लिया है। 13% का कितने साल का? 5 साल का। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 3.51 7.2, तो ये इंस्टॉलमेंट आ गया है 2843 17। तो यहां जाएगा इंस्टॉलमेंट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वन टू फाइव 3.6048, यह है 284317। 284317 इंटू 3.6048, तो यहाँ गए 10249 06। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। बेटे मैं एक साथ बना रहा हूँ सर, कैसे बनेगा? हाँ बेटे आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ईयर, मानते हो? ठीक है सर। फिर क्या जाएगा? इंस्टॉलमेंट। फिर क्या जाएगा? इंटरेस्ट। फिर क्या जाएगा? प्रिंसिपल। फिर क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहां तक तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम। फिर सुनो बेटे, यहां जाएगा सर अलग से ही बना लेंगे क्या? चलो भाई इसको अलग से ही बना लेते, इतना लंबा हो जाएगा। ईयर में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इंस्टॉलमेंट कितने की आ रही है? 284317 284317 284317 284317 एंड 284317। अच्छा लोन कितने का है? लोन अमाउंट है, यहां लिख दूं
10 लाख, और इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट 13% है ना। तो चलो स्टार्ट कर रहे, सबसे पहले 10 लाख का 13% इंटरेस्ट आ गया 1,30,000 माइनस 284,317, तो प्रिंसिपल पेमेंट है 154,317, 10 लाख। तो यहाँ इसमें से ये माइनस किया तो कितना बचा? 84,56,83 इंटू 13% 109,939 माइनस 284,317, तो ये आ गया 174,378 प्लस 845683, तो यहाँ आ गया 671,305 इसका 13%, यहाँ आ गया 87,270 माइनस 284,317, तो ये आ गए 197,047 प्लस 671,305, तो ये हो गया बेटे 474,258 इंटू 13%, ये है 61,653 माइनस 284,317, तो ये हो जाएगा 222,663 474,258, तो ये आ गया 251,594, इसको यहाँ लिख देंगे 251,594, तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर जाएगा माइनस 284,317, तो ये आ गया बेटे 32,722। इसी टेबल में टाइम लगेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब क्या करना है? अब सुनो, अब एक कॉलम बनाते यहां, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, यहां लिख देते ईयर। ईयर कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी सर। सबसे पहले जाएगा टैक्स सेविंग्स, यहां से लिखता हूं टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। अब टैक्स का रेट कितना? 35% 0.3। तो अब देखो मैं कैसे करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मेरा इंटरेस्ट 1,35,30,000, और उसका टैक्स सेविंग कितना होगा? 35%। तो सुनो, शॉर्टकट ऐसा है कांस्टेंट वाला। सबसे पहले ना मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा 0.35, फिर क्या करूंगा इनटू कितना? 1,30,000, तो ये पहले साल का आएगा। फिर उसके बाद मैं सीधा लिखूंगा 109,939 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखूंगा? 87,270 इज इक्वल टू, तो आते जाएगा ये, ठीक है। जैसे 0.35 इंटू 1,30,000, तो ये आ गया बेटे 45,500। फिर क्या करना है? 109,939 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 38,479। फिर 87,270 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 30,544। फिर 61,653 इज इक्वल टू, तो ये आ गया
2 1 5 7 8 फिर 3 2 7 2 2 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 1 1 4 5 3। इसके अलावा सर और क्या लेना बेटे? और ले रहा हूं मैं टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, ठीक है, और फिर जोड़ कर लिख देंगे यहां। सर डेप्रिसिएशन में कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन का रेट है 15% पर एनम WDV। अब एक बात बताओ, क्या आपको WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना आता है? हाँ सर, स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, 10 लाख इंटू 15%, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,50,000। अब दूसरे साल और उसके बाद का निकालना ना, तो सुनो मैं कैसे निकालूंगा। 15% है तो बचेगा कितना वैल्यू, 85%। तो 85% को क्या मैं 0.85 लिख सकता हूँ? हाँ, 0.85 इंटू 1,50,000। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया 127,500। फिर इज इक्वल टू करूंगा 1,08,375। फिर इस तरह से होते जाएगा। अब टैक्स सेविंग कैसे निकाल, तो 1,50,000 का 35%, तो बेटे ये आया 52,500। फिर इसका 35%, तो इसकी अपेक्षा ऐसे कर सकते ना, सुनोगे 127,500 का 35%, तो यार आप 44,625 और 108,375 का 35%, 37,931। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, क्यों ना शॉर्टकट लगा है, और शॉर्टकट सुनो मैं कैसे लगाना चाहता हूँ। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल ही सकते हो? हाँ सर निकाल लेंगे 1,50,000, और 1,50,000 पे टैक्स सेविंग भी निकाल सकते हो? हाँ सर वो भी निकालेंगे 52,500। अब सुनो क्या करना, जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन लगेगा उसी रेशियो में टैक्स सेविंग्स भी होगा, मानते हो इस बात को? हाँ सर। तो अभी क्या करना, जो 52,500 है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना 0.85। सर 0.85 की वजह, बेटे 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, तो बचेगा कितना वैल्यू, 85%। तो मैंने लिखा सबसे पहले 0.85 इंटू 52,500, तो सीधा आ गया 44,625। तो पहले साल का तो टैक्स सेविंग मालूम है, और फिर कितना आया 44,625। फिर इज इक्वल टू कर दूंगा तो 37,931। फिर इज इक्वल टू कर दूंगा तो 32,241, और फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 27,405। बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो सीधा मुझे फोन करके पूछ लेना सर ये शॉर्टकट कैसे लगाया था, बाकी आप समझ जाओगे मुझे पूरी उम्मीद है। अब जोड़ लेते 45,500 प्लस 52,500, तो ये आ गया 98,000। 38,479 प्लस 44,625, 83,104 प्लस 37,931, तो ये आ गया 68,475, 21,578 प्लस 32,241। गड़बड़ हो गया क्या, 22,441 हो गया 41, तो ये आ गया 53,819 और 11,453 प्लस 27,405, तो ये हो गया बेटे 38,858। बस इसी वर्किंग में टाइम लगेगा। अब तो हम यहां मेन में लिख देंगे टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, और ये कहां से आया, वर्किंग नोट कौन सा बनाया हमने, 2 1 2 3, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। कितना है, पहले साल का 98,000, दूसरे साल का 83,104, थर्ड ईयर का 68,475, फोर्थ ईयर का 53,819 एंड लास्ट 38,858। फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.12, पहले 28
टू नाइन ले लेता हूँ, 0.7972, 0.7111, 0.6355, 0.5674, ठीक है जी सर। अभी क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस याद रखना कि ये टैक्स सेविंग से तो ये माइनस होगा सबके सब। ओके तो 98,000 इंटू 0.8929, तो ये आ गया माइनस में 87504 इंटू 0.7972, तो ये हो गया 66251, 68475 इंटू 0.7118, तो 48740, 53819 इंटू 0.6355, तो ये 34202 एंड 38858 इंटू 0.5674, तो फाइनली 22048। सर खत्म हो गया कि नहीं भाई? नहीं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। तो सर अब क्या बाकी रह गया बेटे? अब एक चीज बाकी रहेगी जिसका नाम है टर्मिनल वैल्यू। उसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से निकलेगा। कौन से साल में? पांचवें साल में। क्यों ना इसके लिए भी वर्किंग नोट बना ले, वर्किंग नोट नंबर 3। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में बात किसकी कर रहा हूं, अगर मशीन को टर्मिनेट कर देंगे तो कितना मिलेगा टर्मिनल वैल्यू। चेक करो कहीं कितने का सैलवेज वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन। हाँ तो सर ये सैलवेज क्यों माइनस नहीं किया था बेटे? रेट दिया तो सैलवेज माइनस नहीं किया जाता डेप्रिसिएशन निकालते समय। अच्छा तो बताओ कितने का बेचोगे सेल कंसिडरेशन? हम 5 साल बाद बेचेंगे कितने का? 1 लाख। इसमें से माइनस क्या करेंगे? कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? 1 लाख का बेचोगे माइनस बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकालना है बेटे? बुक वैल्यू भी निकालने का सिंपल सा तरीका, 0.85 इंटू 10 लाख, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, क्योंकि जो बचेगा वो 85% बचेगा। तो 0.85 इंटू 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, ये बुक वैल्यू आ गया सीधा सीधा, 44370 5, ठीक है। ये तो लॉस है, और लॉस है तो कैपिटल गेन नहीं, यहां क्या हो जाएगा? टैक्स सेविंग प्लस हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स सेविंग्स है ये, तो 1 लाख माइनस 44370 5, तो ये आ गया। और इसका कितना परसेंट? 35%। तो ये हो गया 120297, तो टोटल मिलाकर हो गया 220297, दिस इज टर्मिनल वैल्यू, 0.5674 220297, 220297 इंटू 0.5674, तो ये है 124996, दैट्स इट। तो 1024906 माइनस 87504 माइनस 66251 माइनस 48740 माइनस 34202 माइनस 22048 माइनस 124996, तो ये आ रहा है टोटल 641165। और तो कुछ बचा नहीं,
641 165 plus 1 2. ठीक है, तो बताओ बेटे कौन सा अच्छा, लीज ऑप्शन अच्छा कि लोन ऑप्शन? सर लोन ऑप्शन अच्छा है क्योंकि लोअर कैश फ्लो है, तो बस वही लिख लेना, लोन ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़े बड़े ही होना ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इतना टाइम तो अब थोड़ा सा स्पीड बना लेंगे, बाकी इतना टाइम तो लगना ही लगना है, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाते हो चलना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 16। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 29 देखा, एबीसी कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्वायर 5 लाख पल्प कंट्रोल डिवाइस, 5 लाख रुपए का मशीन है, यूजफुल लाइफ कितना भाई 10 साल, सब्सिडी ऑफ ₹50,000 इज अवेलेबल एट द टाइम द डिवाइस इज एक्वायर्ड। 5 लाख रुपए की मशीन है पर 5 लाख रुपए आपको देना नहीं पड़ा क्योंकि 50,000 सब्सिडी मिल रही है। सर इसका मतलब हमारे पास से कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है, 4.5 लाख, सोच के बताना डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 5 लाख की 4.5 लाख? सर डेप्रिसिएशन तो 5 लाख नहीं भाई, सब्सिडी मतलब जो आपने पैसा दिया नहीं उस पे आप डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं मानेगा, तो 4.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, बाकी आपके इनकम टैक्स के आप जान। तो सब्सिडी ₹50,000 इज अवेलेबल एट द टाइम द डिवाइस इज एक्वायर्ड एंड प्लेस्ड इनटू सर्विस, द डिवाइस वुड बी डेप्रिशिएटेड ऑन SLM बेसिस एंड नो सर्विस वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, द कंपनी इज 50% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है 50%। इफ द एक्विजिशन इज फाइनेंस विथ अ लीज, लीज पेमेंट ऑफ ₹55,000 वुड बी रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करोगे लीज का जो पेमेंट है वो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। कंपनी उधार भी ले सकती है 10% के हिसाब से, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा, 10 साल है समझ रहे हो ना आप। डेट पेमेंट वुड बी ड्यू एट द बिगनिंग, ओ ये इंपॉर्टेंट है, जो डेट का पेमेंट है ना वो ईयर एंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। सर इसमें करना क्या है मैं बता दूंगा, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फॉर ईच ऑफ दिस फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव यूजिंग द आफ्टर टैक्स KD, वैसे भी हम कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं, विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज प्रेफरेबल। तो ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चंस, और इसमें लगेगा थोड़ा सा टेबल बनाने में टाइम, पर कोई बात नहीं, करना है हम लोगों को दैट्स कैलकुलेशन ऑफ PVCO। ये लो भाई, 1, 2, 3 और 4 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना है, मतलब KD तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टैक्स का रेट है 50%, तो बोलो यहाँ कितना आएगा 5%, ठीक है, और यहां लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 लीज ऑप्शन, और लीज ऑप्शन में सबसे पहले लीज रेंट। सर नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि बिगिनिंग में है, तो यहां आ जाएगा 0 to 9, कितना जा रहा भाई लीज, लीज लीज 55,000, चलो देख लेते हैं कितने परसेंट का फैक्टर, 5, 1 divided by 1.05, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 GT plus 1, तो ये आ गया 8.1078, तो 55,000 into 8.1078, तो ये आ गया
5929 माइनस क्या होगा? माइनस होगा टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट, माइनस कितना रुपए है 55,000, उसका कितना परसेंट 50%, तो 55,000 का 50%, तो यहां से माइनस होगा 27,500 पर टैक्स सेविंग होता है 1 to 10, तो 1 डिवाइडेड 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी, ये आ गया 7.72177, तो 27,500 इंटू 7.72177, तो बेटे 212347 खत्म, माइनस 445929, तो इसमें जो पेमेंट आ रहा है वो आ रहा 233582। ऑप्शन वन लीजिंग में दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर टू कौन सा? लोन ऑप्शन। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, लोन कितने का लेना पड़ेगा? 5 लाख के 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है, तो अब निकाल लेते इक्वल इंस्टॉलमेंट, सब सर जो सब्सिडी मिली बेटे उसी को काटने के बाद मैंने कहा मुझे तो 4.5 लाख, मैं अपनी बात करूं ना भाई, सब्सिडी जो मिली है वो मुझे नहीं मिली, वो तो मशीन वाले को मिल गई होगी, मुझे 4.5 लाख ही देना पड़ा होगा, 4.5 लाख। अभी क्या करना, PVAF कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%, लेकिन सुनना ध्यान से, इंस्टॉलमेंट जो देना है वो ईयर एंड में नहीं देना, बिगिनिंग में देना है, तो यहाँ जो पीरियड लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 0 to 9, 1 डिवाइडेड 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GT प्लस 1, तो ये आ गया 6.7590, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6.7590, तो इंस्टॉलमेंट आ गया 6,6,5,7,8, तो ये इंस्टॉलमेंट आएगा 0 to 9,6,6,5,7,8, फैक्टर ये निकला हुआ 8.1078, तो 6,6,5,7,8 इंटू 8.1078, तो यहाँ आएगा 5,3,9,8,0,1। बस एक मुसीबत है, वो है टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, और इसके लिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, ईयर, फिर क्या लिखा जाएगा, इंस्टॉलमेंट, फिर क्या जाएगा बेटे, इंटरेस्ट, फी प्रिंसिपल, और फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और यहां लोन अमाउंट लिख देता हूं, लोन अमाउंट कितना 4,50,000, ईयर कहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
इंस्टॉलमेंट कितने के? 6, 6, 5, 7, 8, 6, 6, 5, 7, 8, 6, 6, 5, 7, 8। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना 10%। चलो अब तैयार हम लोग। जी सर। तो 4,50,000 इंटू 10%, तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 45,000 माइनस 6,6,5,7,8, तो ये आ गया 21,578। यहां कैसे बचेगा? इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 4,282 इंटू 10%, 4,282 माइनस 6,6,5,7,8, तो ये हो गया 23,736, 4,284,22, तो ये हो गया 4,046,86, 4,049,66,26,109 प्लस 4,046,86, तो ये हो गया 3,6,85,77, तो यहाँ जाएगा 3,7,858, 6,6,5,7,8, तो यहाँ 2,8,720, 3,7,8,5,77, तो 3,4,9,8,5,7, बस इतना याद रखना कि जीरो पीरियड में पेमेंट हो रहा है। अगर ये जीरो पीरियड में पेमेंट होगा तो अभी तो इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं, पूरा की पूरा 6,6,5,7,8 प्रिंसिपल ही कहलाएगा। तो 4,50,000 माइनस 6,6,5,7,8, तो बेटे अब बचेगा आपका 3,8,34,22, अब इस पे लगेगा 10%, तो यहां आ गया 3,8,34,2,6,6,5,7,8, तो यहाँ जाएगा 2,8,236 प्लस 3,8,3,4,2,2, तो ये आ गया 3,5,5,186, 3,5,5,19, 6,6,5,7,8, 3,10,59, तो यहां बचा 3,24,127, यहां गया 3,24,13, 3,4,165,2,8,99,62,2,8,996, तो बेटे ये हो गया 3,7,5,8,2, तो 2,5,2,380,
252 38, तो यहाँ गए 41 340, तो 211 040, 211 04, 45 47 4, 165 5 66, 165 5 7 ले लेते हैं, 66 5 7 8, तो यहाँ है 500 21, 16 55 66, 11 55 45, 11 55 4, 5 5 0 2 3, 11 55 4 5, तो 60 5 2 1, और मैंने कहा था लास्ट इंस्टॉलमेंट में 60 5 2 1 यहाँ लिख देना, माइनस 66 5 7 8, और डिफरेंस आ जाएगा यहाँ 60 5 6, ठीक है। बस यहाँ करना हमें 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट यहाँ से है ना, सब अलग अलग है, जीरो पीरियड में इंटरेस्ट नहीं, यहाँ से 9 तक, 7 8 एंड 9। अब सर कैसे इंटरेस्ट थोड़ी लिखना, नहीं बेटे, जितना इंटरेस्ट है इनटू टैक्स रेट, ये करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सर यहाँ दिखाए कि बेटे उतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, टैक्स का रेट कितना है जी 50%, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा 0.5, सर पहले फैक्टर लिख लेते हैं, यस 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.9524, 0.9070, 8638, 8227, 7835, 7462, 7107, 6768, 0.6446। चलो तो अब मैं यहां से इंटरेस्ट लिखना स्टार्ट करूं, 50%, 0.5 इंटू 38342, तो बेटे ये आ गए 19171, फिर 35519 इज इक्वल टू 17759, फिर 32413 इज इक्वल टू 16206, कहाँ तक पहुँच गए, तीसरा साल हो चुका है, 28996 इज इक्वल टू 1498, कैलकुलेशन आप देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसका प्रेशर मतलब, चौथा साल हो चुका, पांचवा साल 25238 इज इक्वल टू, तो 12619, पांच साल हो चुके हैं, 21104 इज इक्वल टू 10552, 16557 इज इक्वल टू 82788, 11554, 5577
7 and last 6056 3028. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब और क्या टर्मिनल वैल्यू आएगा इसमें? सर एसएलएम मेथड है और नो सैलरी से बोल रखा, टर्मिनल वैल्यू आएगा ही नहीं. तो बस अब इसको जोड़ लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ लेंगे. तो 191711 इंटू 0.9524, तो ये आ गया 18258, 17759 इंटू 0.9070, तो ये हो गया 16206 इंटू 0.8638, 13999 14498 into 0.8227, तो ये आ गया 1911927, 12619 into 0.7835, तो यहाँ गया बेटे 9887 10552 into 0.7462, 7874 8278 into 0.7107, 5777 into 0.6768, 3910 and 3028 into 0.6446, 1952. तो बेटे ये आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ये दिख रहा है 450,000 के आसपास. बताइए कौन सा ऑप्शन. टर्मिनल वैल्यू है नहीं है, टैक्स सेविंग्स और इंटरेस्ट ले लिया अभी, और एक चीज बाकी है भाई मैं तो भूल गया था सर. क्या? डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किस पे निकालना? 4,50,000. कितनी साल लाइफ है? 10 साल. टैक्स का रेट 50%, तो 45,000 इंटू 50% 22,500 डेप्रिसिएशन का टैक्स होगा. और सर ये तो 1 to 10 ही होना. यस, फैक्टर 7.7217, तो 22,500 इंटू 7.7217, तो ये आ गया 17378. ये भी टैक्स सेविंग है. अब देख लो तो कितना आ रहा था, 4,50,000 में से माइनस और कर देंगे 17378, तो अब आंसर आ गया 276262. ये और ये, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा? लीज ऑप्शन इज बेटर. क्यों? क्योंकि कैश आउटफ्लो कम है. तो इस क्वेश्चन में ना यार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है. ये कैलकुलेशन और 10 साल का कैलकुलेशन तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता. बस एक कॉन्सेप्ट था सब्सिडी वाला, सब्सिडी को मैंने यहीं एडजस्ट कर लिया. मैंने माना ही नहीं कि 5 लाख कॉस्ट है, मैंने पूरा की पूरा कैलकुलेशन 4.5 लाख पे किया. तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो इंस्टॉलमेंट है वो बिगनिंग से है, तो उसमें एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना और उसका इंटरेस्ट किस तरह से काम करना. ठीक है जी, ओके सर. चलो तो बेटे देखते क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा क्या है. लिखा हुआ है सुंदरम लिमिटेड डिस्काउंट इट्स कैश फ्लो एट 16%. तो पहला डिस्काउंटिंग रेट दिया 16%,
और टैक्स का रेट दे दिया 35%, तो भाई डिस्काउंटिंग रेट दिया तो टेंशन वाली बात नहीं। देखा, फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की मशीनरी है, और दो ऑप्शन है, या तो आप लीज पर ले लीजिए, नहीं, आइदर टू एक्वायर द एसेट, एसेट एक्वायर करो, कैसे, बोले बैंक लोन लेकर, और बैंक लोन कितना परसेंट, 15% पर एनम, रिपेएबल इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज, भाई 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और पेमेंट इंस्टॉलमेंट कितना करना है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो इसमें इंटरेस्ट कहाँ, बोले इंटरेस्ट अलग से प्लस इंटरेस्ट, अंडरलाइन कर लो उस बात को, इस बार जैसा आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो ना पीवीएएफ से डिवाइड करके वैसा नहीं निकलेगा, इस बार 2 लाख, 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, 2 लाख, 2 लाख रुपए, मतलब इंटरेस्ट इस तरह से आएगा, पहले साल का इंटरेस्ट 10 लाख पे, दूसरे साल का इंटरेस्ट 8 लाख पे, तीसरे साल का इंटरेस्ट, मतलब इस बार जो इंस्टॉलमेंट रहेगी विद इंटरेस्ट वो अलग अलग रहेगी, हर बार 2-2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है सर, आगे और बोलते हैं, या तो लीज पे ले लीजिए, लीज देना है 3,34,000 फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इन बोथ द केसेस द इंस्टॉलमेंट इज पेबल इन ईयर एंड, एट द ईयर एंड, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज टू बी अप्लाइड एट द रेट ऑफ 15% यूजिंग WDV मेथड, यही परेशान कर देगा, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस विच ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शन इज, और 16% के हिसाब से रेट दे रखा, चलो करना तो पड़ेगा ही, कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ, तो पहला लेते ईयर, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट के हिसाब से 16%, फिर अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लीज ऑप्शन, और यहां क्या लिखेंगे, लीज रेंट, वो भी कैसे, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है सर, लीज रेंट कितना, 3,34,000, 3,34,000, 1 माइनस टैक्स रेट है 35%, 0.35, तो 3,34,000 इंटू 0.65, 2 लाख 17,100, 125 फैक्टर दिया है तीन जीट में, 0.862 प्लस 0.743 प्लस 0.641 प्लस 0.552 प्लस 0.476, जब भी फैक्टर दिया है ना तो आप फैक्टर जो है ना उसी को जोड़कर लिखोगे ज्यादा अच्छा, 217,100 इंटू 3.274, तो ये आ गया 710,785, बस ये तो आफ्टर टैक्स ले लिया आपने, कोई बात नहीं है, अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोन ऑप्शन, और लोन ऑप्शन में सबसे पहले आएगा इंस्टॉलमेंट, और ये रहेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना, हाँ सर ठीक, ये भी 125, हर साल कितना जा रहा है 2 लाख, तो यही आ जाएगा, ये तो 3.274, तो 2 लाख इंटू 3.274, तो ये आ गया 654,800, क्या इसमें इंटरेस्ट है, नहीं,
अब सुनो बेटे, सुनो, टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट मुझे अलग से दिखाना है। इंटरेस्ट, हाँ, उसको हम नेट ऑफ टैक्स करके दिखा सकते हैं, और इंटरेस्ट अलग अलग आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ईयर, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, और यहां जाएगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, कितने साल? 1, 2, 3, 4, 5। लोन अमाउंट पहले कितना था? 10 लाख, फिर 2 लाख का पेमेंट कर दिया, 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख। इसका मतलब मैं 2-2 लाख रुपए का पेमेंट किए जा रहा हूं। अब पहले साल इंटरेस्ट 10 लाख पे इंटरेस्ट का रेट कितना दिया यार, चेक करो। इंटरेस्ट का रेट दिया 15%, 15%। तो 10 लाख का 15% 1,50,000, 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15% 1,20,000, 6 लाख का 15%, 6 लाख का 15% 90,000, मतलब 30,000 कम हो रहा है। हाँ सर, तो फिर 60,000 और फिर 30,000। अब नेट ऑफ टैक्स करना, 1,50,000 का 0.65 कर लो भाई, टैक्स सेविंग माइनस करके बाद लिखते ना, तो सीधा 1 माइनस टैक्स टी कर दिया, 1,50,000 इंटू 0.65, तो ये आ गया 97,500। तो सर 0.65 पहले लिख लेते इंटू 1,20,000, बिल्कुल सही, 78,000, 90,000, 58,500, 60,000, 39,000 एंड 30,000, 19,500, बस खत्म। तो पहले साल का इंटरेस्ट बेटे, ये भी आउटफ्लो ही है, याद रखना, 97,500, यहाँ कितना आ जाएगा 78,000, यहाँ कितना जाएगा 58,500, यहाँ 39,000 और यहाँ 19,500। फैक्टर देख लेते, 1 डिवाइडेड बाय 1.16, नहीं दिया है तो फिर चैलेंज नहीं करें, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.461। तो 97,500 इंटू 0.862 ये आ गया 84045, 78,000 इंटू 0.743, 5794, 58,500 इंटू 0.641, 37498, 39,000 इंटू 0.552, 21,528, एंड लास्ट 19,500 इंटू 0.476, 9,282। ठीक है, अब क्या आएगा? अब आएगा सर टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा दिया है यार इसमें? WDV दिया है 15% के हिसाब से, 1, 2, 3, 4, 5, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476। चलो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मशीन कितने की? मशीन 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 10 लाख। 10 लाख का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 15% ही है, तो 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15%
1,50,000, पर 1,50,000 का टैक्स कितना? 35%, 50 to 500। अभी मैं क्या करूंगा, 0.85 इंटू 50 to 500, तो यहाँ गया 4,4,4,4,6 to 5 इज इक्वल टू 37,931 इज इक्वल टू 3,32,41 एंड लास्ट 2,74,05, ये भी हो गया। अच्छा सर, और क्या बचा सर? बचा है बेटे टर्मिनल वैल्यू, कौन सी ईयर में? फिफ्थ ईयर में 0.476, यहां दिखा देते टर्मिनल वैल्यू। बोलो बेटे कितना है सेल्स कंसिडरेशन, कितने में बेचोगे? चेक करो सैलरीज दिया है क्या। 2 लाख रुपए सैलरीज, वैलरीज तो कुछ दिख नहीं रहा मुझको इसमें। सर सैलरीज नहीं दिख रहा तो नहीं आएगा बिट्टे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। सेल कंसिडरेशन आएगा 0, माइनस देखना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स, और इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो टैक्स सेविंग्स होगी, ये प्लस हो जाएगा। कैसे? बेचोगे 0 में पर बुक वैल्यू कुछ ना कुछ तो बचेगा, 0.85 इंटू 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, तो आ गया 4,4,37,05, और टैक्स का रेट कितना है? 35% इंटू 35%, सीधा आ गया टर्मिनल वैल्यू 1,55,297। तो यहां ब्रैकेट लगेगा 1,55,297, ठीक। तो 50 to 500 इंटू 0.862, 4,5,255, 4,4,625 इंटू 0.743, 3,31,56, 37,931 इंटू 0.641, 2,4,3,1,4 ले लेते इसको, 3,2,4,1 इंटू 0.552, 1,7,7,97 एंड 2,7,4,0,5 इंटू 0.476, 1,3,0,4,5 एंड लास्ट 1,55,297 इंटू 0.476, तो ये आ गया 73,921। चलो भाई अब इतना जोड़ना बाकी रह गया, 6,54,800 प्लस 8,4,045 प्लस 5,7,954 प्लस 3,7,498 प्लस 2,1,528 प्लस 9,282 माइनस 4,5,255 माइनस 3,3,156 माइनस 2,4,314 माइनस 1,7,797 माइनस 1,3,045 माइनus 7,3,921, तो ये आंसर आ गया 6,57,619। कौन सा ऑप्शन अच्छा? सर लोन ऑप्शन इज बेटर, क्योंकि इसमें कम कैश आउटफ्लो है। दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 12, और ये 12 का आंसर लिखा है, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले रहा है, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 27।
लिखा मैसर्स गामैन कंपनी इज प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ पावर सेविंग मशीन, ठीक है, आर कंसिडरिंग बाइंग आर लीजिंग अल्टरनेटिव, या तो खरीदना है या तो लीज पे लेना है। द मशीन इज सब्जेक्ट टू SLM, चलो थैंक गॉड, SLM है मेथड है डेप्रिसिएशन का। गामा एन कंपनी रेज डेट एट 14% पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इस बार इंस्टॉलमेंट निकाल कर दे दिया है 14% के हिसाब से, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 178,858 ईच, और जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इन केस ऑफ लीजिंग द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल एंड ऑफ ईयर लीज रेंट, और लीज रेंट कितना बोले 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर 5 ईयर्स। 40% टैक्स रेट है, सैलवेज दे रखा है 24998 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। Evaluate two alternatives and advise the company by considering after-tax cost of debt concept under both alternatives. चलो काम करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है। कैलकुलेशन ऑफ PVCO। क्या क्या आएगा? ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ये बता दो डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 14 आफ्टर टैक्स लेना केडी, तो 14 × 0.6 कितना आएगा जरा देख लेते हैं। 40% टैक्स का रेट है, 40, तो क्या आएगा 14 × 0.6, तो बेटे लेना कितना 8.4%, ठीक। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन ले रहा है? लीज। तो सबसे पहले लीज रेंट, और ईयर एंड लीज रेंट है तो नेट ऑफ टैक्स भी कर लेंगे। हाँ, ईयर एंड, तो सीधा क्या करेंगे? नेट ऑफ टैक्स कितना है भैया लीज रेंट? 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन का 25%, और मशीन का कॉस्ट, ओहो मशीन का कॉस्ट ही नहीं मालूम। हाँ लेकिन इंस्टॉलमेंट मालूम है, और हमको मालूम है कि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं? लोन अमाउंट, लोन अमाउंट मतलब वही जितने का खरीदना है, कॉस्ट इनटू क्या करते PVAF, यही करते थे। तो हमको मालूम है 178,858 ये है इंस्टॉलमेंट, कॉस्ट हम निकाल लेंगे और PVAF ले लेते हैं। कितने परसेंट का? 14% का, याद रखना 0 to 4 लेना है। हाँ सर बात सही है, तो 1 / 1.14, 1, 2, 3, 4 GT+1, तो ये आ गए 3.9137 38 ले लेते, तो कॉस्ट ऑफ एसिट आ गई 178,858 × 3.9138, 7,40,000 ले ले, चलेगा? चलेगा सर 7,00,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट, तो लीज रेंट निकल जाएगा 7,00,000 रुपए का 25% है ना, ये लिखा 7,00,000 × 25% 1,75,000।
ठीक है सर, तो यहाँ नेटवर्क टैक्स लेना है तो यहाँ लिखेंगे 1,75,000, 1 माइनस 0.40। टैक्स का रेट 40% है क्या? हाँ 40% है, तो 1,75,000 इंटू 0.6, तो यहाँ अमाउंट क्या आगे आगे जाएगा, 1,05,000, 1,25, 1 डिवाइडेड बाय 1.084, 1, 2, 3, 4, 5। जी टी, वैसे फैक्टर दिया है तो उसको जोड़ोगे भी तो इतना ही आएगा, लगभग 3.95। 0.9 है तो 1.0 ले लो सर, जोड़ कर भी देख लो ना। हाँ भाई, 0.99925 प्लस 0.8510 प्लस 0.7851 प्लस 0.7242 प्लस 0.6681। ओहो, 9509, 1,05,000 इंटू 3.9509, तो ये आंसर आ गया 4,148,444, 4,148,444। अब आ जाते ऑप्शन नंबर 2, लोन इंस्टॉलमेंट निकाल कर दे दिया है। इंस्टॉलमेंट याद रखना इसमें जुड़ा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ऐसा है लेकिन 0 to 4। सर इंस्टॉलमेंट कितना है, 1,78,58। फैक्टर क्या रहेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.084, 1, 2, 3, 4, जी टी प्लस प्लस 1, तो ये आ गए 4.82, 4.28, 2, 8, 2, 8, 2, 8। एक बार चेक कर लूँ, 3.9509 में से माइनस कर देता हूँ लास्ट वाला फैक्टर 0.6681 और प्लस कर देता हूँ 1, 4.2828 सही है इस बार, तो 1,78,58 इंटू 4.2828, तो ये आ गया बेटे 766,013। अब क्या करना, अब निकालना है हमको टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, और इसके लिए क्या वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यस, वर्किंग नोट नंबर 2। इसी प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो जी बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहां ले आ जाएगा ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, और क्या जाएगा बेटे, इंस्टॉलमेंट्स कितने कितने किए हैं, 1,78,58, 1,78,58, 1,78,58, 1,78,58 एंड लास्ट 1,78,58। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इसके बाद सर, इसके बाद आता प्रिंसिपल का पेमेंट, और इसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन कितने का है, 7 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14%। बस एक बार मेहनत कर लेते। अच्छा, पहली बार इंटरेस्ट नहीं है, याद रख लेना भाई। तो पहली बार तो पूरा प्रिंसिपल पेमेंट ही है, 1,78,58, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हुआ, 7 लाख माइनस 1,78,58, 5,2, मतलब सर पांचवा इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा ना। हाँ भाई मैं भूल गया था, ठीक है। अब इसका निकलेगा 14%,
तो ये आ गया 7295960 माइनस 178858, ये 0 1 2 3 ये होगा ठीक। तो ये हो गया 10589852114 2। तो ये आ गया 415243 इंटू 14% 58134 माइनस 178858 120724415243 294519 41233 137 625 15689 15689 4 156894 माइनस 178858, तो ये आ गया 21964 ठीक है। तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट जीरो में तो आएगा नहीं, 1 2 3 एंड 4, और ये कैसे आना, इंटरेस्ट इनटू रेट कितना है, रेट है शायद 40%, तो 0.4 इंटू 72960 तो ये आ गया 29184 1 3 4 5 8 2 4 4 1 2 3 3 1 6 4 9 3 2 1 9 6 4 8 7 8 6 फैक्टर ले लेते, फर्स्ट ईयर का फैक्टर 0.9225 0.8510 0.7851 लास्ट वाला 0.7242 तो 29 29184 इंटू 0.9225 26922 23254 इंटू 0.8510 19789 164 16493 इंटू 0.7851 129 49 लास्ट 8786 इंटू 0.7242 तो ये आगे बेटे 6363 ले लेते। यहां तक काम हो चुका है, अभी क्या करना, बस लास्ट काम बचा हुआ, वो बचा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा, SLM। बोलो बेटे मशीन का कॉस्ट कितना है, 7 लाख, रेट दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा, पर रेट नहीं दिया है तो सैलवेज देखो कितना, 24998 दे रखा है सैलवेज, 24998 डिवाइडेड बाय क्या 5, और कितना परसेंट 40%, 1 to 4 नहीं 1 to 5 होगा ना यार, ये तो
तो 7 लाख माइनस 24998 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 40%, 54,000। फैक्टर हमको मालूम है 3.9509, तो 54,000 इंटू 3.9509, तो ये आ गए 2133 47। एक चीज और बची, वो बची है टर्मिनल वैल्यू। कौन सी ईयर में? फिफ्थ ईयर में कितना? 0.7242 72। अब टर्मिनल वैल्यू दिख रहा होगा आपको, सेल कितने का कर रहा है? सर उतना ही, कितना? 24998। कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? वही है कैपिटल गेन टैक्स। तो बस मैं आपसे बोल रहा हूं कि कितने में बेच रहे? 24998 माइनस। एसएलएम मेथड है तो भाई हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 7 लाख माइनस 24998 डिवाइडेड बाय 5, 1,35,000। अगर 1,35,000 हर साल का डेप्रिसिएशन है, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, और उन सब डेप्रिसिएशन को मैं 7 लाख में से माइनस कर दूं, तो मालूम है कितना आएगा? 24998 बुक वैल्यू। ये है सेल कंसिडरेशन, तो ये जीरो ही आना है। तो सीधी सीधी बात है, कैपिटल गेन टैक्स लगे ना गए नहीं, सीधा सीधा 24998 ले लेना। और 24998 इंटू 0.7242, बस हो गया भाई 18103, दैट्स इट। 766013 माइनस 26922 माइनस 19789 माइनस 12949 माइनस 6363 माइनस 213347 एंड माइनस 18103। तो आंसर आ रहा है 468540। कौन सा ऑप्शन? सर ये वाला अच्छा, लीज ऑप्शन इज बेटर। क्यों? क्योंकि कैश आउटफ्लो कम है। तो आज की क्लास खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए, और सुनो होमवर्क भी कर लेना। होमवर्क रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 13। अगली क्लास से पहले ये दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार चेक कर लो क्या है। अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करो, थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। मिल गया क्वेश्चन नंबर 13 में ना प्रॉब्लम क्या? एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू एक्वायर ए मशीन। मशीन खरीदना भाई, मशीन कितने की है? 1,10,000, और 10,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो भाई अब सुनो सुनो सुनो, अगर 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये जो मेरा दिख रहा ना लोन ऑप्शन, इसमें डाउन पेमेंट लिख देना जीरो पीरियड में कितना जा रहा है, 10,000, और लोन कितने का हो जाएगा? 1,00,000। तो यहाँ जो इंस्टॉलमेंट निकलेगी वो 1,00,000 के हिसाब से निकालना, मतलब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,00,000 डिवाइडेड बाय PVAF से कर देना। मतलब 10,000 आप अलग दे चुके हो, 10,000 यहाँ कैश आउटफ्लो में दिखा देना बस। दूसरा, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? सर जेब से पूरा मिलाकर 1,00,000 वो और 10,000 वो, 1,10,000 जा रहा है एग्जैक्टली, तो डेप्रिसिएशन पूरा 1,10,000 पर ही लगेगा। बस ये दो चीजें याद रखना, बाकी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 होम कौन सा था? हाँ 13 ही था, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है आपके लिए। ओके